हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम, जो मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग चैप्टर कहा जाता है। तो मैं आज के सेशन में पहले आपको बेसिक बातें बताऊंगा कि पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी की इक्वेशन क्या होगी, एसएचएम क्या है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक के बीच का डिफरेंस, एसएचएम ऑसिलेटरी के बीच का डिफरेंस। तो ये बेसिक बातें जो जाननी जरूरी है ताकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सके अपन एसएचएम का। तो फॉर्मेलिटी से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ना, हर चीज इंपॉर्टेंट होगी जो मैं बोलूंगा। पीरियोडिक मोशन ये अपन जानते हैं, बहुत ज्यादा सुना है, इसलिए मैंने डेफिनेशन पहले से लेकर रखा है बोर्ड पे। पीरियोडिक मोशन जो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता रहे, जैसे मान लो एक पंखा है जो एक मिनट में, मतलब 60 सेकंड में 60 रोटेशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में 1 रोटेशन करेगा। कम बोला मैंने स्पीड, लेकिन समझ लो कौन सी हवा लगवानी है आपको। मैं कह रहा हूं कि पंखा 1 मिनट में 60 रोटेशन कर रहा है अगर, तो 1 सेकंड में एक बार घूमेगा, तो 1 सेकंड में अगर एक बार घूमेगा तो ब्लेड जहां पे था 1 सेकंड के बाद वापस वहीं आ जाएगा। तो ये है पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम का मोशन भी एयर ट्रैक कंसिडर करें तो वो ये भी मोशन, अगर मान लो कि यहां से यहां और यहां से यहां, इसे टाइम पीरियड कहते हैं, अपन चर्चा बाद में करेंगे इसके बारे में। तो मान लो 2 सेकंड का टाइम है, तो यहां से यहां 1 सेकंड में पहुंचा, फिर 1 सेकंड में यहां पहुंचा, 2 सेकंड, तो हर 2 सेकंड के बाद आपको यहीं पर मिलेगा वो। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। मतलब जितने भी मोशन ऐसे हैं जो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते रहे, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, है ना। कोई परेशानी वाली बात अपन जानते हैं। तो आप ये डेफिनेशन फॉर्मेलिटी समझ के चाहे तो आप नोट कर लें। अब मैं इसके आगे कहानी शुरू करता हूं, बहुत सी बातें शायद ऐसी हो जो आपके लिए नई हो अगर आप बिगनर हैं। तो आइए पीरियोडिक तो चलो अपन जानते हैं, अब कहानी करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन जो पहले आप 11वीं में आने से पहले आपने सुन रखा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशन कहा कर देते हैं ना, साथ ही 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जानते हैं ये, लेकिन हम कुछ और खतरनाक चीजें भी जानेंगे, धमाकेदार चीजें। तो हम जानते हैं कि ऑसिलेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। मतलब कि इफ पीरियोडिक मोशंस आर टू एंड फ्रो, इफ पीरियोडिक मोशंस आर टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, जिसको अपन क्या बोला करते हैं, मेन पोजिशन, जिस पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं अपन, मीन पोजिशन। चर्चा करेंगे अभी अबाउट अ पॉइंट, देन इट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन का ही एक केस है, लेकिन फर्क है थोड़ा। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन टू एंड फ्रो भी है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम ही ले लो, सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग से आप और आसानी से बताता हूं, पेंडुलम डिस्कस करेंगे, पेंडुलम तो टॉपिक ही आएगा बकायदा। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये रेस्ट में रखा है ना, अभी रेस्ट में रखा है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कोई फोर्स नहीं लग रही, थोड़ा सा कंप्रेस करके अगर आप छोड़ दोगे, कंप्रेस करके यहां से रिलीज कर दोगे, तो यहां से पहले बॉडी जाएगी मेन पोजिशन की तरफ इधर, फिर यहां से फिर आगे भागेगी, फिर आगे जाके रुकेगी, फिर आएगी इधर, फिर भागेगी, फिर आएगी, मतलब लगातार ही मोशन चलता रहेगा इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। ये ओवरव्यू दे रहा हूं, मेन पोजीशन का एक और डेफिनेशन है जो बहुत टेक्निकल है, जो न्यूमेरिकल में आपकी मदद करेगा, लेकिन फिलहाल अभी ओवरव्यू देखो। अब मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं एग्जैक्ट डेफिनेशन मेन पोजीशन का बताऊंगा। मतलब स्प्रिंग को क्या, ब्लॉक को कंप्रेस करा, तो इधर क्या ब्लॉक, फिर इधर क्या, इधर क्या, लगातार ये मोशन करता रहेगा इस पॉइंट के अबाउट, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो भी पीरियोडिक मोशन से, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन से अबाउट अ पॉइंट, और जिस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब आइए इक्वेशन ऑफ, अच्छा इसके पहले एक छोटी सी बात देखो, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे, नहीं, पंखा कहां टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन ये पीरियोडिक तो ये भी है, मान लो यहां से यहां जाने में फिर यहां से यहां आने में 2 सेकंड का टाइम लगता है ना, यहां से कंप्रेस करके छोड़ दिया आपने, तो जब यहां के रुकता है तो 2 सेकंड लगता है मान लो, तो हर बार 2 सेकंड के बाद इधर ही मिलेगा आपको ये, तो पीरियोडिक तो है ही,
लेकिन ऑसिलेटरी भी है। हर पीरियडिक मोशन से हर पीरियडिक मोशन टू एंड फ्रो जरूरी, थोड़ी पंखा पंखे का जो ब्लेड है वो थोड़ी ऐसा घूमता रहता है, वो तो पूरा चक्कर काटता है भाई, है ना। तो सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक है, लेकिन सारे पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। जो आसान से क्वेश्चंस बनते हैं ना एकदम आसान से, जो सबको बनाने के लिए दिए जाते हैं जेई वगैरह पेपर में, उनकी कैटेगरी में है ये। तो याद रखेंगे अपन, इसे आप नोट में लिख लेंगे, जो आप जानते भी हैं वैसे, कि ऑल पीरियडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। सारे पीरियडिक मोशंस ऑसिलेटरी नहीं है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन डैम श्योर है अपन कि वो पीरियडिक होगा। बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक। ये क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो छोटी छोटी बातें थी जो अगर मैं अगर ना भी बोलता क्लास में तो ये चीजें आपको मालूम थी पहले से। अब कुछ स्पेशल सी चीजें देखें जो आपने ग्यारहवीं में आने से पहले नहीं पढ़ा होगा। अगर बिगनर है तो पहली बात देख रहे हैं, ड्रॉपर है तो शायद आपने इसकी चर्चा सुन ली होगी क्लास में पहले। आइए, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस are represented by F is equal to minus K x to the power n। जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस है, जितने भी टू एंड फ्रो मोशंस आप ऑब्जर्व करेंगे, उन सारे टू एंड फ्रो मोशंस में जो फोर्स बॉडी पे लग रही होगी वो फोर्स ऐसी होगी माइनस के, ये कांस्टेंट है, इसकी ज्यादा डिटेल में करेंगे अपन। x की पावर n, n जो है यहां पे वो ऑड है, 1, 3, 5, 7 ऐसा ऑड है ये जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस होंगी उनका जनरल इक्वेशन ये है, माइनस के एक्स टू दी पावर एन, जिसमें n क्या है आपका ऑड। अब जरा ध्यान देना, इस फॉर्मूले में अगर x इज इक्वल टू जीरो रखें, x इज इक्वल टू जीरो रखोगे अगर आप, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर आप x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो इन टू एनीथिंग जीरो, मतलब कि जो x और जहां पे फोर्स जीरो होगी इसी कहते हैं अपन मीन पोजीशन। ध्यान रखें, x अगर जीरो पुट करेंगे यहां पे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो उसी कहते हैं अपन मेन पोजीशन। तो x इज इक्वल टू जीरो ये रखने की जरूरत नहीं है आपको, मेन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो हर बार नहीं मिलेगा। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन अच्छे अच्छे प्रॉब्लम ऐसे में करवाऊंगा मैं, तो वहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, वहां पे बहुत लोग गलतियां करते हैं, इसलिए छोटी सी बात है अगर आप जानते हो तो बढ़िया, वरना इसको गांठ बांध के रख लें आप कि x इज इक्वल टू जीरो को मेन पोजीशन नहीं कहते अपन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेन पोजीशन का जो सटीक डेफिनेशन है वो ये है कि जिस पॉइंट पे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगी उस पॉइंट को, उस पोजीशन को अपन बोलेंगे मेन पोजीशन। मतलब एक्स जो है, एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम मेन पोजीशन। इस फॉर्मूले में जीरो के अलावा कुछ रखोगी तो फोर्स की वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी। एक्स को हमने कहां से मेजर, इस फॉर्मूले में एक्स कहां से मेजर किया हुआ है, मेन पोजीशन से। स्प्रिंग में देखो, जैसे यहां पे अगर एक्स कंप्रेस करेंगे, जब कोई नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग तो कोई फोर्स नहीं है, तो यही आपका मेन पोजीशन है। जब ये नेचुरल लेंथ में है कोई फोर्स नहीं तो ये आपका मेन पोजीशन, लेकिन एक्स कंप्रेस करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस के एक्स, पढ़ा है ना वो के, स्प्रिंग वाला कांस्टेंट अलग होता था भाई, ये कांस्टेंट के अलग है, जिसकी चर्चा करेंगे अपन अलग से डिटेल में। फिलहाल मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इधर रहे चाहे इधर रहे, बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो चाहे मेन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस हो, मेन से इधर उधर होगी बॉडी अगर तो बॉडी में फोर्स होगी, लेकिन मेन पोजीशन पे बॉडी होगी अगर तो बॉडी में फोर्स नहीं होगी। तो मेन पोजीशन को डिफाइन कैसे कर, आप इस बात को जहन में दिमाग में उतार ले, मेन पोजीशन इज द पॉइंट इन ऑसिलेटरी मोशन
वेयर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। शॉर्ट में बस यहां पे लिख दिया मैंने यहां पे। अब ऑसिलेटरी मोशन की इस इक्वेशन को जनरल कैरेक्टरिस्टिक सुनिए आप। जैसे कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक काम करते हैं अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम लो, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू, एक तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। एक्स अगर पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट जो है मेन क्वेश्चन से वो है पॉजिटिव, तो एक्स अगर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव की पावर ऑड है, ऑड रखो पॉजिटिव की पावर ऑड रखो चाहे इवन रखो, पॉजिटिव की जो भी पावर होगी रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव मतलब फोर्स मिलेगी आपको नेगेटिव। स्प्रिंग से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग तो समझ सकते हैं आप कि अगर एक्स इस तरफ है राइट हैंड साइड जाएगी बॉडी तो स्प्रिंग की फोर्स अपोजिट लगेगी, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है नेगेटिव। ये आपको ये पोजिशन क्या बोलते हैं अपन, मेन पोजिशन है ना, ये मेन पोजिशन है जहां पे फोर्स जीरो है। एक्स अगर पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है इस तरफ तो फोर्स नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव साइड की तरफ इस तरफ, ये देखो आप, आपने डिस्प्लेसमेंट दी मेन पोजीशन से अवे लेकिन फोर्स है टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन। चलो अच्छा, अगर मान लो कि एक्स नेगेटिव हो, इफ एक्स इज नेगेटिव तो नेगेटिव की पावर ऑड, इसलिए मैं यहां पर लिखवाया था कि ऑड ही है, यहां पे नेगेटिव की पावर इवन होगी तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस हो जाएगा ना, लेकिन माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन ऑड पावर रहेगा अगर, तो नेगेटिव नंबर के ऑड पावर दोगे तो माइनस ही आएगा और एक माइनस और बाद में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। मतलब एक्स अगर नेगेटिव देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो फोर्स हो गई पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप एक्स से नेगेटिव की तरफ देंगे तो फोर्स लगेगी पॉजिटिव इस तरफ होगा ना राइट हैंड साइड की तरफ, तो फोर्स लगेगी इस तरफ। ध्यान दीजिए प्लीज, अगर डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव साइड तो फोर्स नेगेटिव साइड, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड तो फोर्स पॉजिटिव साइड। इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, कॉमन क्या है कि देखो आप, हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं मेन पोजीशन से अवे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लग रही है। अगर आप मेन पोजीशन से दूर लेके गए आप नेगेटिव साइड की तरफ तो भी फोर्स मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन इधर है। अगर आप राइट हैंड साइड से दूर लेके गए बॉडी को तो भी फोर्स इधर है अपोजिट डायरेक्शन में मेन पोजीशन की तरफ। इसलिए ये जो फोर्स एफ है, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजिशन, फोर्स हमेशा मेन पोजिशन के तरफ ही लगेगी। तो ऑसिलेटरी मोशन की जनरल इक्वेशन, हमने ऑसिलेटरी मोशन में पढ़ा कि जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगी उसे क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन। फिर नोटिस करा कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब फोर्स में हमेशा टेंडेंसी है किधर लगने की, मेन पोजीशन की तरफ। बॉडी को डिस्प्लेसमेंट किधर भी देंगे हमेशा बॉडी पे फोर्स किधर लगेगी, टुवर्ड्स दी मेन पोजिशन, ये जो नजर आ रहा है। अब इसी में कुछ और चीजें जोड़ता हूं, ध्यान देना। इफ एन इज इक्वल टू वन, ये जो है ऑसिलेटरी मोशन का जनरल फॉर्मूला, इसमें एन इज इक्वल टू वन रखेंगे आप अगर, तो एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस के एक्स, फोर्स बराबर बॉडी फोर्स लग रही जिस बॉडी पे, मान लो उसका मास एम है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के बाई एम को रिप्लेस करते हैं अपन ओमेगा स्क्वेयर से, क्यों, इसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है, वजह है ओमेगा आपको मैंने लिखा तो आपको एंगुलर वेलोसिटी की याद आ रही होगी, लेकिन थोड़ा होल्ड करिए, जब मैं टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर पोस्ट करूंगा मैं, उस वक्त आपको बताऊंगा कि मैंने के बाई एम को ओमेगा क्यों बोला था। तो फिर आप मान लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर, फिर आप इसे कंसिडर कर लें। बहुत जगह पे बताते भी नहीं कि ओमेगा स्क्वायर, मैं आपको बताऊंगा लॉजिकली
कि जो के बाई एम है वो ओमेगा स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रहे आपको कि ये के स्प्रिंग कांस्टेंट वाला की नहीं है भाई, ये SHM का कांस्टेंट अलग को के है। तो वो इत्तेफाक से किताबों में हर जगह के ही लेते हैं, तो मैंने भी वही लिया, मेरा कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान रहे वो सी भी लिख सकता है, माइनस सी एक्स टू दी पावर एन लिख सकता था ऐसा। इसलिए याद रहे कि ये जो कांस्टेंट के नजर आ रहा है इट इज नॉट द स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये ध्यान रखना। ये SHM का अपना कांस्टेंट भी है। के बाय एम ओमेगा स्क्वायर बोला क्यों बोला, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कैसे। तो ये आ गया ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, के स्प्रिंग का कांस्टेंट, एम भी मास कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ओमेगा स्क्वायर जो है ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। के है SHM का कांस्टेंट, एम मास बॉडी की वो भी कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा। इसलिए ये तो क्या एक्सीलरेशन रिलेशनशिप याद रखेंगे आप, तो यहां से एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली है, ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसके अपोजिट है फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रही है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रही है, तो एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही होगी। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और उसके अपोजिट है। ऐसी केस ऐसी मोशन को बोलते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में बोला करेंगे इसे अपन SHM। मतलब SHM क्या है बेसिकली, SHM ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है जिसमें n की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना, n इज इक्वल टू 1 रखा हमने तो यहां तक पहुंच पाए अपन। तो अगर वो याद रखें अगर, तो SHM is a special case of oscillatory motion where n is equal to 1। तो क्या SHM oscillatory motion है? जी हाँ है। या क्या सारे oscillatory motion SHM होंगे? नहीं, वही oscillatory motion SHM होंगे जहां पे जो है पावर n नजर आ रही है वो 1, और थोड़ा सा और सोफिस्टिकेट कर दिया मैंने जो किताबी डेफिनेशंस होते हैं, तो वो आप ये देख सकते हैं कि अगर बॉडी का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके अपोजिट हो तो उसे बोलते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है पॉइंट ये? तो पीरियोडिक मोशन क्या है हम जानते थे, थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया हमने, ऑसिलेटरी मोशन क्या है वो भी चर्चा कर ली हमने, मैथमेटिकल एनालिसिस है अपने पास, मेन पोर्शन क्या होता है वो जान गए अपन, ऑसिलेटरी मोशन में कौन सी कंडीशंस लगा दें अपन जिससे वो SHM में कन्वर्ट हो जाए वो भी हमें मालूम है, और SHM का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी मालूम चल गया। के बाई एम ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला हमने, इसका भी लॉजिक है, समय आने पे 2-3 वीडियोस बाद आपको पता चल जाएगा, आप सब रखिए इंतजार करिए। तो आज हमने SHM के बेसिक्स की बात कर ली, अगले लेक्चर में हम SHM के इक्वेशन और काफी सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।